अब होगी इंसाफ की बात, हर जुर्म का होगा पर्दाफाश, जनता की समस्याओं पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए आप देखते रहिए इंसाफ की बात। आज इंसाफ की बात की टीम पहुंची है कान्हा की लीला स्थली वृंदावन में। इंसाफ की बात के दर्शकों को आज टीम दिखाएगी मथुरा वृंदावन की जुगल जोड़ी परिक्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। मथुरा वृंदावन की जुगल जोड़ी परिक्रमा में देश विदेश से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। संपूर्ण परिक्रमा मार्ग राधे राधे और श्री बांके बिहारी के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा है। आध्यात्मिक दृष्टि से कार्तिक मास की अक्षय नवमी पर्व पर मथुरा वृंदावन में जुगल जोड़ी की परिक्रमा देने का बहुत महत्व है। वहीं सोमवार को गोपाष्टमी के दिन गायों के पूजन करने का भी विशेष महत्व माना जाता है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं का वृंदावन पहुंचना लगातार जारी है। बता दी कि रात भर श्रद्धालु परिक्रमा लगाते रहे। अक्षय नवमी के दिन यानी आज मंगलवार तक ये परिक्रमा पूरी की जाएगी, जिसमें देश विदेश से बड़ी मात्रा में श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं वृंदावन का मनमोहक नजारा, बच्चों से लेकर बूढ़े तक यहां श्रद्धा के साथ परिक्रमा लगा रहे हैं। मुख से राधे राधे के बोल सुनाई दे रहे हैं, कहीं पेट के बल परिक्रमा लग रही है तो कहीं पर श्रद्धालु प्रसाद वितरित कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग के मंदिरों में दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी हुई है। श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए लंबी कतार लग रही है। साथ ही परिक्रमा मार्ग में यमुना माँ की श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है। बता दें कि ये परिक्रमा सोमवार सुबह से ही शुरू हो गई। राधे राधे, राधे राधे जी, मैं दयाराम वशिष्ठ इंसाफ की बात से आया हूँ जी। तो वृंदावन में जो परिक्रमा लगाई जा रही है, इसका क्या महत्व है, इस बारे में आप विस्तार डालें। ये जुगल जोड़ी की परिक्रमा है और स्वयं भगवान राधा कृष्ण ने परिक्रमा का आनंद प्राप्त किया है और उसी परंपरा को लेकर के आज भी लोग बड़ी बड़ी दूर से इस परिक्रमा का आनंद लाभ ले रहे हैं। हमारे यहाँ भी राधा माधव आश्रम में काफ़ी लोग रुकते हैं, आते हैं। ये वृंदावन चामुंडा के पास में आपका अपना आश्रम है, श्री राधा माधव आश्रम गोधुलीपुर वृंदावन। वहीं आज मंगलवार को कार्तिक मास की अक्षय नवमी है। श्रद्धालु इस परिक्रमा को हर हाल में आज पूरा कर लेंगे, जिसके चलते आज सुबह से ही परिक्रमा मार्ग में और भी ज्यादा भीड़ बढ़ गई है। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंसाफ की बात।